राधे जय जय माधव दयिते। राधे जय जय माधव दयिते। गोकुलतारुणी मण्डलमयिते। गोकुलतारुणी मण्डलमयिते। राधे जय जय माधव दयिते। राधे जय जय माधव दयिते। दामोदर राती वरधन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे। दामोदर राती वरधन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे। राधे जय जय माधव दयिते। राधे जय जय माधव दयिते। वृषभानुदधि नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे। वृषभानु दधि नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे। राधे जय जय माधव दयिते। राधे राधे जय जय माधव दयिते। करुणां कुरु मयि करुणा भरीते सनक सनातन वरणित चरिते। करुणां गुरुमयि करुणा भरीते सनक सनातन वरणित चरिते। राधे जय जय माधव दयिते। राधे जय जय माधव दयिते। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे।
जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। हरि बोल गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चनारबिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नवाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय यमुना माई की जय वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रीमती राधा रानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। बरसाना धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरी टू द असेंबल डिवोटी हरे कृष्णा ऑल ग्लोरी टू द असेंबल डिवोटी हरे कृष्णा ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांग। ओम अज्ञान तिमरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्ण श्रीमती राधारानी की जय। आज श्रीमती राधारानी का आविर्भाव दिवस है। बहुत ही पवित्र दिन है। कल्प भेद होती है कथाओं में, कथा अलग अलग कथाएं हैं राधारानी के आविर्भाव के बारे में और आविर्भाव के बारे में यानी उनके आविर्भाव के बारे में जन्म के बारे में बहुत अधिक तो नहीं बताएंगे, लेकिन और अधिक चर्चा होगी राधारानी के बारे में, उनकी महिमा की चर्चा होगी। तो संक्षेप में बताते हैं बहुत सारी कथा है, उसमें एक बहुत लघु कथा है, छोटी सी कथा है जिसमें कम समय लगेगा कि और कथाओं में ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम आपके सामने जो सबसे छोटी कथा है वो सुना रहे हैं आविर्भाव का। तो महाराज विश्वभानु महाराज जो कि श्रीमती राधारानी के पिता हैं, वो बहुत दुखी थे। कई वर्षों तक उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी और इसलिए यमुना जी के निकट जाके यमुना जी से प्रार्थना करने लगे और यमुना जी के समक्ष खड़े हुए एक दिन देखा, क्या देखा उन्होंने, सहस्त्र दल कमल प्रकट हुआ है यमुना जी में और सहस्त्र दल कमल में श्रीमती राधारानी का आविर्भाव हुआ। श्रीमती राधारानी प्रकट हुई
और कई जन्मों की तपस्या विश्व भानु महाराज ने की थी और सूर्यदेव के ही अवतार माने जाते हैं वृष भानु। और तो पिछले जन्म में ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि आपने पिछले जन्म में आपने और आपकी जो पत्नी थी उनका नाम था कलावती, आपने भोर तपस्या की थी और आपने ये प्रार्थना की थी कि आपकी एक पुत्री हो, लक्ष्मी जी जैसी एक पुत्री हो, तो साक्षात राधारानी आपके यहाँ प्रकट हुई है। तो इस तरह से वृष भानु महाराज को ये श्रीमती राधारानी प्राप्त हुई और उनको वो फिर इस तरह से उनकी जो पत्नी है माता कीर्तिदा और विश्व भानु महाराज के यहाँ श्रीमती राधारानी का जन्म हुआ। तो ये उनके आविर्भाव के बारे में है, बहुत संक्षेप में, इससे छोटा संक्षेप में आविर्भाव नहीं बताया जा सकता है। और जो और भी जो कथाएं हैं वो बता चुके हैं पहले, ललित माधव में भी श्री रूप गोस्वामी ने उनके आविर्भाव के बारे में बताया है और कई पुराणों में वर्णन आता है उनके बारे में, राधारानी के आविर्भाव के बारे में। तो राधारानी जो है सर्वोपरि गोपी है, बहुत ही प्रिय है, कृष्ण के अंतरंगा शक्ति लादिनी शक्ति की स्वरूपनी है। लादिनी शक्ति के रूप में जो प्रकट होती है, लादिनी शक्ति जो स्वरूप में अगर प्रकट होती है तो वो है श्रीमती राधारानी। तो राधारानी कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है और जो भी भक्त है, जो भक्ति में आते हैं, भक्ति प्रारंभ करते हैं, वो वास्तव में श्रीमती राधारानी का ही आश्रय लेते हैं। महात्माना सुमनाम पार्थ देवी प्रकृति आश्रिता भजंती अनन्य मनसो ज्ञात्वा माम भूतादि अव्ययम्। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस श्लोक के एक प्रवचन में कि ये देवी प्रकृति कौन है, ये श्रीमती राधारानी है, श्रीमती राधारानी ही देवी प्रकृति है। तो देवी प्रकृति का आश्रय जब तक नहीं लेंगे तब तक भक्ति प्रारंभ नहीं होगी। महात्माना सोमा पार्थ देवी प्रकृति आश्रिता, इसलिए भक्ति में जो प्रारंभिक सीढ़ी है उसको कहते हैं श्रद्धा। तो ये श्रद्धा की जो सीढ़ी है, ये श्रद्धा क्या है, एक बहुत ही अच्छा हमने सुना था, हमें याद नहीं आ रहा किसने कहा था, श्रद्धा इज दी हेलो ऑफ श्रीमती राधारानी। श्रीमती राधारानी का ये प्रकाश है, उनकी आभा है ये श्रद्धा, जिसके प्रकाश में रहकर भक्त जो है वो कृष्ण को समझ पाता है। तो ये श्रद्धा वास्तव में जो प्राप्त होती है, श्रद्धा के स्तर पर हम पहुंचते हैं, जिसको शास्त्रीय श्रद्धा कहते हैं, लौकिक श्रद्धा नहीं, ये श्रद्धा हमें प्राप्त होती है श्रीमती राधारानी की कृपा से। आभा यानी कि हेलो, ये कृपा ही है श्रीमती राधारानी की। तो उनकी जब तक कृपा नहीं होगी ये भक्ति प्रारंभ नहीं होगी हमारी। भक्ति प्रारंभ तभी होगी जब श्रीमती राधारानी की कृपा होगी, और श्रीमती राधारानी की जब कृपा हो जाती है पूर्ण रूपे, तो वही हमें हमारा परिचय देती है कृष्ण को परिचय देती है कि ये भक्त बहुत अच्छा है, यानी अभय गौर बहुत अच्छे भक्त हैं। हालांकि एक नंबर के बेवकूफ हों ये, लेकिन क्योंकि श्रीमती राधारानी ने इनके लिए सुझाव रखा है, इनके लिए रिकमेंड किया है, कृष्ण को कहा है कि ये बहुत अच्छे भक्त हैं, तो कितने भी बेवकूफ क्यों ना हो ये कृष्ण उनको स्वीकार कर लेंगे। ये विशेष कृपा है, राधारानी की कृपा है। कृपा तो है ही, वृंदावन धाम में वास मिला है इनको, बचपन से ही वृंदावन धाम में रहे, तो ये तो राधारानी की कृपा ही है। तो ये तो व्यवहारिक रूप में देखा जा रहा है, राधारानी की कृपा है। तो इस तरह से इन बातों का अच्छी तरह समझना, अधो श्रद्धा। श्रील भक्ति सिद्धांत हरि ठाकुर कहते हैं जो कृष्ण के भक्त हैं उनको कहा जाता है कार्ष्णेय, जो विष्णु के भक्त हैं उनको कहा जाता है वैष्णव या वार्ष्णेय, विष्णु के जो भक्त हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, और जो राधारानी के भक्त हैं उनको गौड़िया कहा जाता है। तो गौड़िया जो वैष्णव है, जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में है, श्री ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय, हमारा जो संप्रदाय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण यह संप्रदाय, क्योंकि ये श्रीमती राधारानी का है संप्रदाय, राधारानी की कृपा है संप्रदाय में विशेष रूप से, क्योंकि संप्रदाय का पूरा नाम है श्री ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय। सिर्फ ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय नहीं है, साथ में श्री भी जुड़ा हुआ है, यानी कि ये संप्रदाय वास्तव में देखा जाए तो श्रीमती राधारानी से प्रारंभ होता है। तो राधारानी के हम लोग उपासक हैं, राधारानी की तरफ से हम लोग हमेशा उनके पक्ष में रहते हैं, राधारानी के माध्यम से हम कृष्ण के पास जाते हैं। जैसे कि द्वारका में कई बार आप सुनते हैं मीराबाई के बारे में,
मीराबाई जो है वो कृष्ण की आराधना करती थी, कृष्ण की पूजा करती थी, कई भजन भी है मीराबाई के। लेकिन हमारे जो परंपरा में हम मीराबाई को इतना महत्व नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हम कृष्ण को सीधे नहीं, हम कृष्ण के पास जाते हैं, हमारा अप्रोच कृष्ण के लिए सीधा नहीं है, सीधे कभी कृष्ण के पास नहीं जाया जा सकता। प्रभुपाद ने बताया है, प्रभुपाद कहते हैं कि इससे पहले कि हम राधा रानी को समझ लें, हमें सबसे पहले कृष्ण को समझना होगा। कृष्ण को जब तक नहीं समझेंगे, राधा रानी को कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि वास्तव में ये सत्य तो यही है कि राधा रानी जो है कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, उनकी शक्ति है, भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति है। इसलिए भागवत का जो पहला श्लोक है, भागवत का जो पहला श्लोक है उसमें बताया गया है, जन्मादि अस्य यतः, जन्मादि अस्य यतः। तो जन्मादि अस्य यतः का मतलब है कि आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, वो है आदि कारण, वो है मूल कारण। तो इसलिए बताया ब्रह्मा जी भी कहने, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण सर्व कारण कारण। या फिर भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहने, आम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूता भावा समन्विता समन्विता। आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण मैं ही हूं। तो जितनी भी शक्तियां हैं वो भी भगवान की ही है। पराशर शक्ति विविधे व श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिय। तो जितनी भी शक्तियां हैं, संवेद संधिनी और लाधिनी शक्ति, ये सब भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति है ये सब। तो अंदर का शक्ति ये हमेशा ध्यान रखना है हमें। तो कई बार देखिए शास्त्रों में पाया जाता है, या फिर हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्य भी बताते हैं कि कई बार श्री कृष्ण जो है भगवान कृष्ण राधारानी के उस मानन महाभाव को नहीं समझ पाते हैं। तो इसका क्या कारण है? हालांकि स्रोत तो भगवान कृष्ण ही है, उनकी अपनी शक्ति है और अपनी शक्ति को भी नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपके पास अपनी संपत्ति है, अपना राज्य है, अपनी गाड़ी है, अपना धन है, बैंक बैलेंस है, तो ये सब आपकी शक्तियां हैं, है कि नहीं? तो इसके बारे में आप जानते होंगे, स्वाभाविक है। लेकिन क्या कारण है कि राधा रानी के इस मादन महाभाव को नहीं समझ पाते हैं कृष्ण? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। नहीं को ठाकुर भक्तिनोद ने जैन धर्म में लिखा है, ये कृष्ण की इच्छा है कि कुछ ऐसी भी चीज होनी चाहिए, कोई ऐसी भी वस्तु होनी चाहिए जिसको ना जानूं मैं, यही उनकी पूर्णता है। ये भी उनकी पूर्णता है कि कुछ ऐसा भी कुछ है जो नहीं जानते हो, जानते हैं सब कुछ, सर्वज्ञ है, अभिज्ञ है, लेकिन इस मामले में अनभिज्ञ है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये भी एक उनकी पूर्णता है, ये भी कृष्ण की पूर्णता है। तो इसलिए इन बातों को बड़ा बड़ा ध्यान से हमें समझना है कि शास्त्रों में क्या बताया गया। तो हम तो पहला श्लोक लेंगे श्रीमद् भागवतम का, श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है, या फिर श्रीमद् भागवत के जो कई श्लोक हैं उसे हम जानने का प्रयास करेंगे, या फिर ढूंढने का प्रयास करेंगे कि श्रीमती राधारानी इसमें कहाँ है। जैसे कि कई बार हम सुनते हैं कि श्रीमती राधारानी के बारे में सुखदेव गोस्वामी ने सीधे वर्णन नहीं किया है, राधारानी का नाम नहीं लिया है श्रीमद् भागवतम में। लेकिन हमारे जो आचार्य हैं विश्वनाथ चक्र ठाकुर और सनातन गोस्वामी शिलजीव गोस्वामी, इन सब महान आचार्यों ने श्रीमद् भागवतम की टीका लिखते हुए ये वर्णन दिया है कि कहाँ कहाँ पर राधारानी दिखाई, आपको राधारानी को दिखाया उन्होंने, राधारानी को श्लोकों में दिखाया है कि यह यहाँ ये राधारानी है, ये राधारानी है, ये राधारानी है। तो इसी बात को गौर करते हुए हम लोग भागवत का पहला श्लोक लेंगे, और ये क्योंकि ये श्रीमद् भागवत का ही प्रवचन होता है प्रातःकालीन, तो श्रीमद् भागवत को ही हम लोग आधार बनाते हुए श्रीमती राधारानी की महिमा का वर्णन करेंगे। तो पहला श्लोक है भागवत का, ओम ओम नमो भगवते वासुदेवा, ये पहला श्लोक है, राइट। इसमें श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में क्या बताया जा रहा है, जन्मादि अस्य यथोन्वयादि तरतश्चार्थेषु अभिज्ञा सुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्ययः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्रति सर्गो अमृषः धामना स्वेना सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। ये पहला श्लोक है भागवत का। इस श्लोक के ऊपर कम से कम 30 आचार्यों ने टीका दी है, 30 आचार्य ने कमेंट्री दी है पहले श्लोक, सिर्फ भागवत के पहले श्लोक। इतना महत्वपूर्ण श्लोक है
जिसने इस पहले श्लोक को समझ लिया उसने पूरे श्रीमद् भागवत को समझ लिया। पहले श्लोक को जो नहीं समझा वो भागवत को कभी नहीं समझ पाएगा। ये पहला श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरा जो भागवतम है भाष्य नाम ब्रह्म सूत्राणाम श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ये श्रीमद् भागवत जो है वेदांत सूत्र का भाष्य है। तो ये वेदांत सूत्र है, जन्मादि यस्य यतः ये वेदांत सूत्र है। वेदांत सूत्र 500 से अधिक सूत्र है जो कि श्री अद्वैत व्यास जी ने लिखा है। उसमें एक सूत्र क्या है प्रारंभ में ही जो आता है वो है जन्मादि अस्य यतः। अब वही श्रील वेद व्यास जी ने उस सूत्र को लेकर इस श्रीमद् भागवत की व्याख्या की है 18,000 श्लोकों में। तो ये पहला श्लोक है जन्मादि अस्य यतः, इसलिए 10 विषय जो श्रीमद् भागवत के हैं उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण कौन विषय है भगवान श्री कृष्ण आश्रय तत्व, ये है सबसे महत्वपूर्ण विषय श्रीमद् भागवत का। एते चंसा कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मणियंती युगे युगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण समझना कि श्रीमद् भागवत का जो श्रीमद् भागवत में जो 10 विषय हैं उसमें जो आश्रय है अन्य विषयों के जो आश्रय है वो कौन है स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण। और पहला जो श्लोक है इसी से प्रारंभ होता है, इसलिए यहां पर सबसे पहले बताया गया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया जा रहा है क्योंकि जो भी वर्णन किया जाएगा श्रीमद् भागवत में वो सब इन्हीं से ही संबंधित होगा और इनके बारे में होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना, श्रीमद् भागवत पढ़ने से पहले हमें समझना। इसलिए क्या होता है, इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि श्रीमद् भागवत पढ़ने से पहले आप चेतन चरितामृत पढ़िए। चेतन चरितामृत में इस बात की बड़ी विस्तार से व्याख्या कर दी गई है, प्रारंभ ही इससे ही हो रहा है। क्या एकलेश्वर कृष्ण आरसप भृत्या, तो इस बात की बड़ी स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। तो ये जब बात कोई समझ लेगा वो श्रीमद् भागवत को अच्छी तरह समझ पाए, भक्तों की कृपा से, इन आचार्यों की कृपा से, वैष्णों की कृपा से। तो ये जो पहला श्लोक है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसकी हम व्याख्या करेंगे सबसे पहले। फिर और भी कई श्लोक लेंगे दशम स्कंद से जिसमें हम देखेंगे कि श्रीमती राधारानी वहां पर है, जो हमारे कई पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया है, विश्वनाथ जी ठाकुर ने अपनी सारा दर्शनी टीका में, या शीला सनातन गोस्वामी ने अपनी वैष्णव तोषणी दशम टिप्पणी टीका में, सनातन गोस्वामी की जो दशम टिप्पणी है उसमें उन्होंने व्याख्या की, या फिर शीला जी गोस्वामी ने बताया है कि कहां कहां पे आप श्लोकों में राधारानी को देख सकते हैं। तो ये पहला श्लोक है जन्मादि अस्य यतः। देख पहला है आदि रस, आदि आदि का मतलब है बताया जा रहा है आदि रस। आदि रस का मतलब होता है श्रृंगार रस या फिर माधुर्य रस। और ये जो श्रृंगार रस है यानी कि कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को रसराज कहा गया है। रसराज के मतलब है कि रसों के राजा हैं, राइट, रसों में दक्ष हैं, रसज्ञ हैं, रसिक शेखर हैं भगवान श्री कृष्ण को बताया गया है। इसलिए रसो वही सहा उपनिषदों में बताया गया, भगवान श्री कृष्ण को रसो वही सहा बताया गया है। और इसके अतिरिक्त बताया गया है, यहां पे एक शब्द आया है अन्वय, इस श्लोक में एक शब्द आया है अन्वय। अन्वय का मतलब होता है, यहां पर जो व्याख्या की गई है वो है अन्वय का मतलब है मिलन। मिलन का मतलब है राधा और कृष्ण का मिलन जब होता है रास लीला में, इसको अन्वय कहते हैं। या फिर यानी कि कृष्ण जो है दो गोपियों के मध्य में है और इस समय इस मिलन में आनंद ही आनंद है, आनंदमयो भ्यासा। और इसके अतिरिक्त विरह में जब कृष्ण रासलीला छोड़ के चले जाते हैं, राधारानी जो है रासलीला को छोड़ के चली जाती हैं, ये देखते हुए कि जो गोपियां हैं, जो कृष्ण जो है एक सम व्यवहार कर रहे हैं, एक ही व्यवहार कर रहे हैं, जो व्यवहार मेरे साथ इनके साथ कर रहे हैं उसी तरह का व्यवहार मेरे साथ कर रहे हैं, यानी कि मुझे विशेषता नहीं दे रहे हैं। तो राधारानी उस रासलीला को छोड़ के चली जाती। तो इस तरह का जो है ये जो सब बातें हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि श्रृंगार रस या रासलीला इसकी व्याख्या ही नहीं की जा सकती है जब तक श्रीमती राधारानी ना हो। तो इस बात को हम लोग थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे चेतन चरितामृत के आधार पर। चेतन चरितामृत में मध्य लीला में बताया गया है प्रेमेर परम सार महाभाव जानी सही महाभाव रूप राधा ठाकुरानी। यानी कि प्रेम का जो परम सार है वो है महाभाव, और महाभाव रूप है
महाभाव स्वरूप है श्रीमती राधा ठाकुरानी। अब हुआ क्या देखिए, चेतन चरतामृत में वर्णन आता है, गोपी गणे रास नृत्य मंडली छाड़िया राधा चाही बने फिरे विलाप कोरिया। तो यही बात बताई गई यहाँ पे कि राधा रानी ने देखा कि अरे तो जो व्यवहार इनके साथ हो रहा है, जो इनके साथ जिस तरह से इनको दर्जा दिया जा रहा है, वही दर्जा मुझे भी दिया जा रहा है। विशेष दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा मुझे, या मुझे कोई विशेषता नहीं दी जा रही है? तो राधा रानी जो है फिर उस रासलीला को छोड़ के चली जाते हैं। तो कृष्ण बड़े दुखी होते हैं और कृष्ण भी वनों में भटकते रहते हैं कि कहाँ गई राधा रानी। और उसके अतिरिक्त क्या बताया गया है, उसके बाद जब राधा रानी गई रासलीला छोड़ के, तो कृष्ण भी रासलीला छोड़ के चले गए। यानी कि इस रासलीला में अनगिनत गोपियां हैं। स्कंद पुराण में दिया है कि एक रासलीला बताया गया कि 300 करोड़ गोपियां, 3 बिलियन गोपीज, 3 बिलियन गोपीज हैं उस रासलीला में। और राधा रानी अगर उस रासलीला को छोड़ के चले जाते हैं तो राधा रासलीला बंद हो जाती है। आप सोच के देखिए राधा रानी का क्या स्तर है उनका, सोच के देखिए। और एक 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 रासलीला में बताया गया है कि 100 युद्ध होते हैं और प्रत्येक युद्ध में 100 करोड़ गोपियां होती है। तो कितनी गोपियां हो गई। तो ऐसे में भी रासलीला में अगर राधा रानी उस रासलीला को छोड़ के चले जाए तो रासलीला बंद। ये विशेषता है श्रीमती राधा रानी की। और क्या बता रहे हैं, षटकोटि गोपी संगे रास विलास तार मध्य एक मूर्ति रहे राधा पाश। यानी कि हालांकि कृष्ण जो है उन अनगिनत गोपियों के मध्य में थे रासलीला में, लेकिन श्रीमती राधा रानी के साथ जो श्री कृष्ण है वो कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और जितने भी और कृष्ण है और अन्य गोपियों के साथ रासलीला में है, वो स्वयं भगवान नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाश है। यानी कि जो मूल कृष्ण है, यानी कृष्णस्तु स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण किसके साथ होते हैं, केवल श्रीमती राधा रानी के साथ, उन अनगिनत गोपियों के मध्य में, कोटि कोटि गोपियों के मध्य में, इसलिए यहां बताया गया। और उसके बाद क्या बता रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, ताहा बिनु रासलीला नाही भय चित्ते मंडली छाड़िया गेला राधा अनविशेते। यानी कि राधा रानी ना हो तो रासलीला नहीं होगी, कृष्ण के हृदय में उस रासलीला का आस्वादन नहीं कर सकते वो, और रासलीला को छोड़ के चले जाते हैं। कृष्ण भी रासलीला को छोड़ के चले जाते हैं, किसकी तलाश में, राधा रानी की तलाश में चले जाते हैं। अब देखिए एक अन्य रासलीला में, वसंत ऋतु में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, मथिलीला में ही आता है ये, वसंत काले रासलीला करे गोवर्धने अंतर्धान कोयला संकेत करी राधा सने। ये वास्तव में वर्णन मिलता है ललित माधव में। ललित माधव में शिला रूप गोस्वामी ने इस प्रसंग का वर्णन किया है। हुआ क्या, निवृत्त निकुंज वसी देखे राधार बाट अन्वेषित आयला ताहा गोपीकार थाट। तो कृष्ण जो है एक कुंज में जाके बैठ गए, एक एकांत में एक कुंज में जाके बैठ गए और राधाणी का इंतजार करने लगे, राधाणी कब आएंगी। और क्योंकि इस तरह से वो ढूंढ रहे थे तो गोपियां भी वहां पर ढूंढती ढूंढती आए कि कृष्ण कहां पर है। और उसको बिल्कुल उस कुंज के पास पहुंची, और जब उस कुंज के पास पहुंच गई तो कृष्ण को देख लिया। उन्हें कहा, अरे देखिए वो नंद महाराज के पुत्र नंद नंदन वहां बैठे हुए हैं, उस कुंज में बैठे हुए हैं। और बड़ी उत्सुकता से, लालसा से वहां पहुंची, उस कुंज के पास पहुंची। जब गोपियां वहां पहुंची तो कृष्ण देखा, अरे ये तो गोपी यहां पे आ गई। और ये क्या बता रहे हैं, यहां पे बता रहे हैं, गोपी गण देखी कृष्णेर होयला 7 वर्ष लुकाई थे नारीला भय होयला विवश। तो एकदम भाव विभोर हो गए कृष्ण गोपियों को देखकर, और एकदम से अस्थिर हो गए, मोशनलेस हो गए कृष्ण। चतुर्भुज मूर्ति धरी आछे न वसिया कृष्ण देखी गोपी कहे निकटे आसिया। अब कृष्ण ने क्या किया, वो भी बड़े चतुर हैं, कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। ये नारायण नहीं है, वैकुंठ के नारायण नहीं है, लेकिन कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और खड़े हुए गोपियों के सामने। तो यही है अलारनाथ। अलारनाथ शिल भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने कहा है, जो पुरी में अलारनाथ है जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए थे दर्शन के लिए, जब जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हो रहा था
उन 15 दिनों में तो चैतन्य महाप्रभु बड़ी तेजी से भागे थे अलारनाथ जी का दर्शन करने के लिए, और अलारनाथ का दर्शन करते ही वहीं पे मूर्छित हो गए, भावेश में आके मूर्छित हो गए। तो ये वही है चतुर्भुज रूप। तो इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा है कि ये जो अलारनाथ है ये विष्णु नहीं है, कृष्ण है चतुर्भुज रूप है। तो गोपियों के समक्ष खड़े हुए हैं और चतुर्भुज रूप में खड़े हुए हैं। तो उसके बाद फिर गोपियां बोलती हैं, इहो कृष्ण नहे इहो नारायण मूर्ति, ये तो बोली तारे सभे करे नति स्तुति। समझ रहे आप, बहुत सरल बंगाली है ये। बोलते हैं ये कृष्ण नहीं है, ये तो परम भगवान है, ये नारायण है, ये तो बोलते हैं। उसके बाद गोपियां जो है वो सादर नमस्कार करने लगी, प्राण प्रणाम करने लगी और प्रार्थना करने लगी। क्या प्रार्थना करने लगी? नमो नारायण देह करह प्रसाद, कृष्ण संग देह मोरह गुछाओ विषाद। तो गोपियां कहती है कि हे नारायण, हे प्रभु, आपको सादर प्रणाम हो, नमो नारायण, आप हमारे ऊपर कृपा करें, दया करें, हमें कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो, हमें कृष्ण की संगति प्राप्त हो, आपसे यही प्रार्थना है। आप तो शोक और भय को दूर करने वाले हैं। तो इस तरह से वो प्रणाम करती हैं गोपियां प्रणाम करने के बाद, और उसके बाद फिर श्रीमती राधारानी वहां पे आ जाती हैं कुछ समय के बाद। हेना काले राधा आसी दिली दिला दर्शन, राधा देखी कृष्ण तारे हास्य कोरीते, सही चतुर्भुज मूर्ति चाहे ना राखीते। अब देखिए क्या होता है, जब भगवान श्री कृष्ण राधारानी को देखा चतुर्भुज रूप गायब, अरे ये कहां गए दो हाथ, कहां गए, लेके गायब ही हो गए दो हाथ गायब हो गए, अपने ही स्वतः ही राधारानी को देखने मात्र से ही दो हाथ गायब हो गए। क्या बता रहे, लुकाईला दुई भुज राधार अग्रते, बहु यत्र कोयला कृष्ण नारीला रखीते। श्रीमती राधारानी के समक्ष जो है कृष्ण को अपने इन दो भुजाओं को छुपाना ही पड़ा, ना चाहते हुए भी बहुत प्रयास किया उन्होंने चतुर्भुज रूप को बनाए रखने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए। राधार विशुद्ध भावेर अचिंत प्रभाव, राधा रानी का जो भाव है उसका जो विशुद्ध भाव का जो अचिंत प्रभाव है, उस अचिंत प्रभाव से किया हुआ इनकंसेबल इन्फ्लुएंस, इनकंसेबली ग्रेट, वो इन्फ्लुएंस इतना इनकंसेबली ग्रेट था, उसका प्रभाव इतना अधिक था, क्या हुआ, यही कृष्ण करायला द्विभुज स्वभाव। क्या हुआ कि कृष्ण मजबूर हो गए, फोर्स कृष्णा, राधारानी का दर्शन करते ही क्या हुआ, उसका इतना प्रभाव हुआ कि इतना प्रभाव हुआ कृष्ण के ऊपर कि कृष्ण के दो हाथ गायब। यही कृष्ण करायला द्विभुज स्वभाव। तो ये यहां पे बड़ा अच्छा बताया है। तो ये राधारानी की स्थिति है, राधारानी की सर्वोपरि स्थिति है। राधारानी हमेशा जो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लगी रहती है, वही चाहती है कि भाई कृष्ण प्रसन्न हो। और यहां तक ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में राधारानी का भाव प्रकट किया, जैसे शिक्षाष्टकम में भी आता है, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा विधातु लंपटो मत प्राणनातस्तु सैवना परा। आप दर्शना देकर मर्महत करें, आप गाढ़े आलिंगन करें, आप तो लंपट है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो आप तो मेरे प्राणनाथ। तो ये राधारानी का प्रेम है कृष्ण के लिए। और कृष्णदास कविराज क्या गोस्वामी क्या कहते हैं, ना गणी आपना दुख सबे वांछी तार सुख अमार तात्पर्य, मोर जदी दिया दुख तार होले महासुख, सही दुख मोर सुख वर्य। मतलब कि मुझे अपने दुख की चिंता नहीं है, मुझे अपने कष्ट की चिंता नहीं है। राधारानी कह रहे हैं मुझे अपने कष्ट की चिंता नहीं है, जैसे कुंती महारानी कहती है, विपदा संतः ता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवद दर्शनम श्याल अपुनर्भव दर्शनम। लेकिन गोपियां ये श्रीमती राधारानी उनकी प्रार्थना देखिए कैसी प्रार्थना है, वो कह रहे हैं कि आप मुझे अपने दुख की चिंता नहीं है, मैं तो हमेशा कृष्ण के सुख की कामना करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि कृष्ण हमेशा सुखी रहें, मोर जदी दिया दुख तार होले महासुख, अगर मुझे दुख देकर या अगर मैं दुखी होती हूँ उससे अगर कृष्ण को सुख मिलता है तो वो सबसे बड़ा सुख है मेरे लिए। अगर मेरे दुखी रहने से अगर कृष्ण सुखी होते हैं तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है, सही दुख मोर सुख है वर्य, कि वो सबसे श्रेष्ठ सुख है मेरे लिए। तो इस तरह से ये राधारानी का जो है उनका प्रेम, उनकी जो प्रेम की पराकाष्ठा है ये दिखाई पड़ती है। और इसके अतिरिक्त आगे बढ़े तो ये था आदिरस के बारे में, जन्मादि यस्य यतः, तो आदिरस। इसलिए देखिए श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने
पहले श्लोक के ऊपर एक महीने प्रवचन दिया, क्योंकि 30 आचार्यों की कमेंट्री है इस श्लोक में। ये पहला श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, इसमें सब कुछ है। पहले श्लोक में सब कुछ है, श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में, प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में। तो ये आदि रस का वर्णन कर रहा है, जन्मादि यस्य यतः, श्रृंगार रस के भी कारण, श्रृंगार रस के भी जो है स्रोत आधार श्रीमती राधारानी है। ये है आदि रस, जन्मादि अस्य यतः यथोन व्याद। अन्वय का हमने बताया, अन्वय का मतलब मिलन, राधा कृष्ण का जब मिलन होता है उस रासलीला में। और उसके बाद अभिज्ञा, अभिज्ञा, अभिज्ञा का मतलब है कि कृष्ण सर्वज्ञ है, अभिज्ञ है, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है पूरे सृष्टि में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में, कि भगवान ना जानते हो। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं कि सब जीवात्माओं को मैं जानता हूं, सबको मैं जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि राधारानी जानती है कृष्ण को, और कृष्ण राधारानी के उस महाभाव को नहीं जानते। लेकिन कृष्ण उस मानव महाभाव को नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझ पाते हैं। इसी कारण से इस श्रीमती राधारानी के इस मानव महाभाव का आश्रय लेकर श्री कृष्ण ही, भगवान श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते। तो ये बहुत बड़ी बात है, देखिए। क्योंकि देखिए, अगर आप देखें श्रील रूप गोस्वामी ने जो वर्णन किया है, जो भक्ति रसाम सिंधु में आता है, श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है। आदो श्रद्धा तथा साधु संगा अथ भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति स्या तथो निष्ठा रुचिस तथा अथा आसक्ति स्ततो भाव तथा प्रेमा भिजंचति साधकानाम अयम प्रेम ना प्रादुर्भवे भवेत क्रमः। तो श्रद्धा से लेकर ये प्रेम की सीढ़ी बताई है श्री रूप गोस्वामी। लेकिन रूप गोस्वामी इतने महत्वपूर्ण हमारे आचार्य हैं, जैसे अब हमने चर्चा भी की थी उस दिन तिरुभाव दिवस के दिन, की रूप गोस्वामी ने जो हमें दिया है, जो रस तत्व का ज्ञान दिया है, वो किसी भी आचार्य ने किसी भी संप्रदाय में नहीं दिया है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने इसलिए बोला, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापिताम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्वपदान। ये रूप गोस्वामी जो कि रूप मंजरी है, सबसे निकट है श्रीमती राधारानी के। इसलिए हमारे कई आचार्य जो इस मंजरी स्वरूप में है, वो श्रीमती राधारानी को सबसे अधिक जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधारानी का जो भी भाव है, जो भी उनके अंदर जो भाव प्रकट होता है, वो सारा का सारा तत्काल इन मंजरियों में प्रकट हो जाता है। टाइम और स्पेस की कोई चिंता नहीं है। वो ब्रज में, ब्रज मंडल में कहीं भी हो, मंजरियां, राधारानी अगर रो रही है तो मंजरियां भी रोएंगी, राधारानी अगर हंसती है तो मंजरियां भी हंसेंगी। इसलिए इस माधना के महाभाव का भी रसास्वादन ये मंजरियां कर पाती है सबसे अधिक। इस कारण से हमारे संप्रदाय में, इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, जितना अधिक हम राधारानी के बारे में समझ पाते हैं, और किसी परंपरा में नहीं समझ पाते। तो ये मंजरियां जो है, ये सबसे निकटतम है श्रीमती राधारानी के। तो ये बात बहुत समझने की है, हमारा सिद्धांत है। ये कोई निकुंज की लीला नहीं बता रहे आपको, ये हमारा तत्व है, ये हमारा सिद्धांत है, जो हमारे शास्त्रों में पाया गया है। भक्ति रसाम सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है इसका। और फिर श्री रूप गोस्वामी प्रेम से आगे की सीढ़ियां भी बताते हैं। प्रेम के आगे किस स्तर का कभी चर्चा ही नहीं हुई, किसी को पता भी नहीं था, लेकिन श्री रूप गोस्वामी ने इसको वर्णन किया। जो उन्होंने सुना, किससे सुना? श्री चैतन्य महाप्रभु से सुना प्रयाग में। 10 दिन लगातार श्री रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से सुना, और वही जो 10 दिन उन्होंने शिक्षा ली, वही भक्ति रसाम सिंधु में है और उज्ज्वलमणि जैसे ग्रंथों में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु यानी कि भगवान श्री कृष्ण, जो कि जिन्होंने श्रीमती राधारानी के महाभाव को स्वीकार किया है, वो श्री रूप गोस्वामी को बता रहे हैं। तो प्रेम के आगे के स्तर भी बताए श्री रूप गोस्वामी ने। प्रेम के आगे स्तर बताया स्नेह, उसके आगे मान, उसके आगे प्रणय, उसके आगे राग, उसके आगे अनुराग, उसके आगे भाव, उसके आगे महाभाव। ये महाभाव खेल गोपियों में पाया जाता है। और महाभाव के भी दो विभाजन किए हैं, रूढ़ महाभाव और अधिरूढ़ महाभाव। इस अधिरूढ़ महाभाव के भी और 3 डिविजन है, 3 विभाजन किए गए। ऐसा वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिकली आज तक किसी ने नहीं बताया जो श्री रूप गोस्वामी ने बताया। इतना विस्तार से वर्णन किसी ने नहीं किया है। ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है कि कृष्ण भक्ति केवल एक भावुकता नहीं है, बल्कि एक गहरा विज्ञान है। इसलिए आप देखिए नेक्टर डिवोशन के फ्रंट पेज पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, साइंस ऑफ भक्ति योगा। नेक्टर डिवोशन का प्रभुपाद ने टाइटल किया है साइंस ऑफ भक्ति योगा। ये विज्ञान है, कितना गहरा विज्ञान है। ये देखिए, ये कोई भावुकता नहीं है कि आके थोड़े से आंसू बहा लिए और थोड़े से गिर गए, नीचे उठ गए
और लौट लिया थोड़ा सा, बस हो गया, यही भक्ति है। हमारे शास्त्रों में, हमारे जो ग्रंथ हैं, जो आचार्यों ने दिए हैं, जो श्री रूप गोस्वामी ने दिए हैं, उसमें बहुत ही गहरा सिद्धांत है। गुह्यतम है सबसे, राजगुह्यम, ये राजगुह्यम क्या है वो श्लोक, क्या राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये वास्तव में सबसे गुह्यतम ज्ञान है जो कहीं नहीं मिलेगा, किसी पुराण में किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा आपको, जो श्री रूप गोस्वामी ने दिया है सर। और इस तरह से फिर आधिरूढ़ महाभाव के भी तीन डिविजन्स बताए गए हैं, जिसमें आता है मोदन महाभाव या मोहन महाभाव या मादन महाभाव, ठीक है। लेकिन ये जो मादन महाभाव है ये केवल श्रीमती राधारानी में पाया जाता है, यानी कि कृष्ण जो है अनभिज्ञ है इस मादन महाभाव के बारे में, ये बताया जा रहा है श्लोक। अभिज्ञा, अभिज्ञा स्वराट, स्वराट का मतलब है कृष्ण जो है परम स्वतंत्र है, ईश्वर का मतलब ही है स्वतंत्र, नियंता, कंट्रोलर, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, सुप्रीम कंट्रोलर ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण है, स्वराट है, सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है, उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि वही सबके कारण के कारण है, क्योंकि वही भोक्ता है, भोक्ता राम जगत बसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, राइट, आम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, तो सब कुछ उनका है। ईशावाशम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता महागृद कस्य स्विद्धरम, उनका ही है सब कुछ, वही नियंता है, राइट, लेकिन फिर भी स्वराट नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से नियंत्रित है श्रीमती राधारानी के द्वारा। राधारानी जो है उनको पूरी तरह से नियंत्रित करके है। 25 दिव्य गुण बताए गए हैं श्री रूप गोस्वामी के द्वारा, उसमें जो 25वां दिव्य गुण ये है कि वो पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं कृष्ण, श्रीमती राधारानी पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। इसलिए अगर जब राधारानी पर मान प्रकट कर ले तो उस मान को भंग करना कृष्ण के लिए संभव नहीं होता है, बड़ा मुश्किल होता है। एक बार ऐसे ही हुआ कि राधारानी ने मान प्रकट किया, और श्रील जयदेव गोस्वामी इसका वर्णन कर रहे हैं गीत गोविंद में कि राधारानी ने मान प्रकट किया और कृष्ण को बनाने जा रहे हैं, श्रीमती नहीं, राधारानी नहीं मान रही, बहुत मुश्किल है राधारानी अगर मान प्रकट करती है तो। ये रुक्मणी जैसे द्वारका में रुक्मणी ये मान प्रकट नहीं कर पाती है जिस तरह से श्रीमती राधारानी मान प्रकट, तो श्री जयदेव गोस्वामी इस गीत गोविंद के दशम स्कर में लिख रहे हैं, स्मरण करल खंडनम मम शीर्षि मंडनम देही पद पल्लवम उदारम, बहुत सुंदर लिखा है श्री जयदेव गोस्वामी लिखते हैं। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, अब भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़ के खड़े हैं विथ फोल्डर हैंड्स, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ते हैं कृष्ण, पूरे त्रिभुवन में किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़ता है इनको, ना ब्रह्मा जी के सामने ना शिव जी के सामने, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ते हैं, राधारानी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, और राधारानी के सामने हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, हे राधे मुझे अंगीकार करोगी तभी मेरा ताप दूर होगा, सर्व विजयी तुम्हारे गुणों की स्फूर्ति होने से विवश होकर तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना, प्रार्थना भी करते हैं कृष्ण, भी प्रार्थना करते हैं राधारानी से, प्रार्थना कर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि अपने पद पल्लव को मेरे मस्तक पर अर्पित करो, आपके चरण जो है मेरे मस्तक पर रख दो, ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं श्रीमती राधारानी से बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, ये पद पल्लव अति उदार हैं, ये प्रार्थी जनों के मनोभीष्ट को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए नरोत्तमदास ठाकुर बोलते हैं श्री गुरु चरण पद्मा, प्रार्थी जनों के मनोभीष्ट को पूर्ण करने वाले हैं, कौन, वो गुरुदेव, क्योंकि श्रीमती राधारानी की प्रतिनिधि है श्री गुरुदेव, इसलिए श्री गुरु कहा जाता है, श्री गुरु चरण पद्मा। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि बद्ध अवस्था में श्रीमती राधारानी के दर्शन कैसे होंगे, वे असंभव है, बद्ध जीव कभी राधारानी का दर्शन नहीं कर सकता है, असंभव कार्य है, लेकिन एक तरीका है, एक शॉर्टकट बताया है उन्होंने, बताया है कि जब गुरुदेव के चरणों के नखों का दर्शन आप कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो राधारानी के नख ही हैं, ऐसा वर्णन किया है श्रील भक्ति सिद्धांत सरी ठाकुर ने, कि अगर आपको लगता है मैं राधारानी का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, आपके हृदय में कहीं इच्छा आ जाती है इस तरह की, है कि नहीं, आंखें होते हुए भी मैं देख नहीं पा रहा हूं, चश्मा होते हुए भी नहीं दिखाई दे रही है राधारानी मुझे,
राइट। तो उसमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, अपने गुरुदेव के चरणों का जो नख है उसका दर्शन करना चाहिए। उनके चरणों के नखों की तुलना जो है श्रीमती राधारानी के नखों से की गई है, यह है शॉर्टकट। तो इस तरह फिर आगे क्या बता रहे हैं, इन चरणों को मेरे मस्तक पर अर्पण करने से कामजन्य गरल का खंडन तो होगा ही, मेरा मस्तक भी सम अलंकृत हो जाएगा, सुशोभित हो जाएगा। यही मेरा आभूषण है, आपके चरण ही मेरे मस्तक का आभूषण है, यह ऑर्नामेंट है मेरे लिए। और क्या बता रहे हैं, तुम्हारे पैरों का संस्पर्श पाकर काम गरल उसी प्रकार समाप्त हो जाएगा जिस प्रकार गरुड़ का चरण स्पर्श प्राप्त कर सर्प विश्व समाप्त हो जाता है, अनर्थ निवृत्ति से यार। राधारानी की चरणों की कृपा मिल गई तो अनर्थ निवृत्ति से हो जाएगा, अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी, यानी गुरुदेव के चरण जिसके, गुरुदेव के चरण जिसके शीश पे पड़ गए, चरण धूली जिसके पड़ गई, गुरुदेव के चरणों की धूली जिसके सर पे पड़ गई, तो क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति से, अनर्थ निवृत्ति से। इसलिए तो हम देखते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य भागवत में एक जगह बता रहे हैं जहां पे वो कह रहे हैं कि जो भी नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता है उनकी निंदा करता है, उनकी बुराई करता है, उनका खंडन करता है, जो उनको नहीं स्वीकार करता है मैं उसके मस्तक पे लात मारूंगा, I'll kick on his head, जोर से लात मारूंगा उसके सर पे। और वहां श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा है कि ऐसे वर्षों वैष्णव की जो चरण धूली पड़ेगी उसकी जब लात पड़ेगी मस्तक पे अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, अनर्थ निवृत्ति से याद। यही है, ये है राधारानी की चरण धूली, वह है उनके पद पल्लव। तो ये मस्तक पे हम लोग अलंकृत कर लें, सुशोभित कर लें अपने मस्तक को श्रीमती राधारानी के चरणों से। और क्या बता रहे हैं, कामजन्य संताप संबंध से अंतर में, अंतर मन में उदित मनोविकार आदि दोष भी तुम्हारे चरणों के अर्पण करने से समाप्त हो जाएंगे। ये काम क्लेश अति निवारण है, अनल के समान मेरे हृदय को जला रहे हैं। तो हम सब काम के वशीभूत हैं, हमें से कितने लोग हैं जो काम के वशीभूत नहीं है, सिर्फ एक ही देखिए, ये है शुद्ध भक्त, इनके ऊपर राधारानी की कृपा हो गई है। तो प्रश्न पूछने से पहले ही हाथ खड़ा कर दिया इसलिए चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो अनर्थ निवृत्ति सियाद यही है, मनोविकार दोष जितने भी हमारे मन में अनर्थ हैं सब नष्ट हो जाएंगे राधारानी के चरण अगर हमारे सर पे पड़ गए, यही बात बता रहे हैं। एक एक मर्म अंगार बन रहा है भीतर बाहर ज्वलनशील, ये काम ज्वर तुम्हारे पद पल्लव के सर पर रखने से ही दूर होगा, ये बात। तो ये देखिए जयदेव गोस्वामी ने इतना सुंदर वर्णन किया है इस गीत गोविंद में, क्योंकि समझने लायक है। आगे क्या बता रहे हैं, तो कहने का मतलब है स्वराट की चर्चा हो रही थी, कृष्णा इज नॉट इंडिपेंडेंट, वो स्वतंत्र नहीं है, वो तो प्रार्थना करते हैं राधारानी के सामने आके, राधारानी मान प्रकट करती है, भिक्षा मांगनी पड़ती है उनको, नहीं लेकिन याद रहे ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि पहले जान लो कृष्ण कौन है, उसके बाद राधारानी को समझना, नहीं तो अपराध कर बैठोगे, क्योंकि ये कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, ये त्रिभुवन के स्वामी है, आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कारण है, वो राधारानी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। जब कृष्ण के बारे में सब कुछ जान लेंगे हम लोग अच्छी तरीके से भागवत का अध्ययन करके, तब हम समझ पाएंगे राधारानी की महिमा को, है कि नहीं। जैसे कि हम देखते हैं कि नरसिंह भगवान की लीला में किसी ने कहा कि हिरण्यकश्यप के बारे में जान लो तो नरसिंह भगवान की महिमा और बढ़ जाती है उसे, क्योंकि नरसिंह भगवान, भगवान नरसिंहदेव जो है मच्छर को मारने के लिए नहीं आए, यहाँ पे वैकुंठ से मच्छर मारने के लिए नहीं आए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आए। तो हिरण्यकश्यप के बारे में हम जब जान लेते हैं कि कितने शक्तिशाली थे वो, तब भगवान नरसिंहदेव की महिमा समझ में आएंगे। लेकिन यहाँ पे राधारानी हिरण्यकश्यप नहीं है, राधारानी भगवान की अंतर्गत शक्ति है, लादनी शक्ति है, ये तो हम समझाने के लिए बता रहे थे। राधारानी के समक्ष जो है भगवान श्री कृष्ण, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो है राधारानी के समक्ष आके खड़े होते हैं, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। और फिर क्या बता रहे हैं, स्वराट, स्वराट का मतलब ये भी कि किसी ने उनको व्यक्त नहीं किया है। और राधारानी जो है इसलिए ये मादनाख्य महाभाव श्रीमती राधारानी के पास है, इस तरह से भी वो स्वतंत्र है, यानी कि जो भी चमत्कार होता है सब कुछ एक साथ होता है इस मादन महाभाव में, विरह और मिलन, मिलन में भी विरह की अनुभूति होती है एक साथ इस मादन महाभाव में, जो केवल राधारानी में पाया जाता है। तो इस तरह से फिर अगला लाइन ये है श्लोक का,
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुयंति यः सूर्यः। इसका मतलब क्या है? वैसे तो जो मूल अर्थ यह है कि जैसे भागवत में दिया है उसमें यही बताया कि भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट किया, लेकिन यह अर्थ है कि श्रीमती राधा रानी ने रस तत्व का जो ज्ञान है, रस तत्व का जो विज्ञान है, सुखदेव गोस्वामी के हृदय में प्रकट किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, आदि कवि आदि कवे यानी कि श्रीमती राधा रानी ने वो जो रस तत्व का ज्ञान है उस रस ब्रह्म को किसके हृदय में प्रकट किया? सुखदेव गोस्वामी के हृदय में प्रकट किया। फिर उसके बाद बता रहे हैं मुयंती यह सूर्य यहां, मुयंती यह सूर्य का मतलब है कि बड़े बड़े देवता देवी देवता भी मोहित हो जाते हैं राधा रानी की श्रेष्ठता को देखते हुए, उनकी परम प्रकाश पराकाष्ठा को देखते हुए, उनके रासलीला का दर्शन करते हुए देवी देवता ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े देवी देवता भी जो है ये सब क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। जैसे कि ब्रह्म विमोहन लीला है तो इसमें भी मोहित होते हैं ब्रह्मा जी। और यानी कि ये एक बात है। और दूसरा, यहां तक कि जो भक्त हैं, जो ऐसे वैष्णव हैं, ऐसी रासलीला का श्रवण करते हुए वो भी मोहित हो जाते हैं, बिविल्डर हो जाते हैं। तेजो वारी मृदाम, तेज तेज किसका? तेजो वारी मृदाम, तेज यानी कि चंद्रमा का तेज, पूर्णिमा का चांद। शरद पूर्णिमा के दिन जब रासलीला होती है तो आपको चंद्रमा जो है पूर्ण रूपेण दिखाई पड़ता है। शरद ऋतु की चंद्र पूर्णिमा बहुत ही दिव्य है, नहीं? एक लालिमा से छाई होती है चंद्रमा में, बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है ये चंद्रमा। तो इस चंद्रमा के बारे में बता रहे हैं कि चंद्रमा जो है उस रासलीला का दर्शन करते हुए अस्थिर हो गया, मोशनलेस हो गया, स्टिल हो गया वो चंद्रमा। और फिर उसके बाद वारी, वारी का मतलब है जल, जल का मतलब यहाँ पे यमुना जी हैं। यमुना जी का धर्म है बहते रहना, लेकिन जब रासलीला का श्रवण किया, इस रासलीला का दर्शन किया तो यमुना जी भी स्तब्ध हो गई, वो भी स्तब्ध हो गई। और उसके बाद मृदाम, मृदाम मतलब ब्रज रज, ब्रज रज में जहाँ पे ये रास नृत्य हो रहा है। तो इस तरह से ये सब भाव विभोर हो गए इस रास नृत्य का, राधाणी की जो श्रेष्ठता है उसके बारे में सुनकर या देखकर उनका दर्शन करके। तेजो वारी मृदाम, उसके बाद यानी कि जो चेतन वस्तु थी वो अचेत हो गई और जो अचेत वस्तु थी वो चेतन हो गई इस राधाणी के, राधा कृष्ण की इस रासलीला को देखकर। और त्रिसर्ग अमृषा, त्रिसर्ग का मतलब ये है, त्रिसर्ग अमृषा का मतलब ये है कि श्री भू और नील शक्तियां, इसकी भी स्रोत हैं श्रीमती राधाणी। श्री भू और वैकुंठ में तीन शक्तियां हैं भगवान विष्णु की, श्री भू और नील, तो ये अंतरंगा शक्ति है, इसकी भी स्रोत कौन है? श्रीमती राधा रानी है। और इनसे ही प्रकट हुई है लक्ष्मी, लक्ष्मी वैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की महिषियां और गोपियां, ये सब जो है इसकी स्रोत कौन है? श्रीमती राधा रानी। इस तरह से त्रिसर्ग है। और त्रिसर्ग में और क्या आता है? अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, ये भी राधा रानी में है, उसकी भी स्रोत कौन है? श्रीमती राधा रानी। फिर क्या आखिरी पंक्ति क्या है? धामना स्वेना निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमही, धामना स्वेना, धामना स्वेना सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमही। गोलोक धाम, भगवान कृष्ण का धाम, नित्य गोलोक धाम जो है वो क्या है? इस माया जगत से बहुत दूर है, परे है, माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता वहां गोलोक वृंदावन में। तो धामना स्वेना निरस्त कुहुकम, कोई इल्यूजन नहीं है वहां पर, कोई महामाया का कोई प्रभाव नहीं है। और वहां क्या हो रहा है? वहां पे राधाणी भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान कर रही है, या कृष्ण जो है राधाणी को आनंद प्रदान कर रहे हैं उस धाम में। कहां पे? गोलोक धाम में। तो बता रहे कि ऐसी राधा रानी के ऊपर हम ध्यान लगाते हैं, सत्यम परम धीमही, जिनकी सेवा परम भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं, जो सर्वोच्च आनंद प्रदान करते हैं, कृष्ण को आनंद प्रदान करती है, लादनी शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की, उसके ऊपर हम ध्यान लगा रहे हैं। यह है परम धीमही का मतलब, यानी कि धीमही ये जो शब्द है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने पहले भी बताया था ये श्रीमद् भागवत है वो वास्तव में गायत्री का ही विस्तार है, ये गायत्री की ही व्याख्या है। इसलिए श्री जी गोस्वामी ने अग्नि पुराण से उद्धरण देते हुए बहुत सुंदर बात बताई, इसी श्लोक की व्याख्या करते हुए उन्होंने अग्नि पुराण से श्लोक एक बात बताई। उन्होंने बताया है कृष्ण देवस्य भर्गः शक्ति ही इति धीमहि। क्या बताया उन्होंने? कृष्ण देवस्य भर्गः शक्ति ही इति धीमहि।
यानी कि जब हम ये ब्रह्म गायत्री करते हैं तो इसमें जो भरगा शब्द आता है ये कौन है, ये श्रीमती राधा रानी है, और देवस्य कौन है, परमहंस श्री कृष्ण, यानी कि राधा कृष्ण हो गए। तो हमारा जो साधारण जो अर्थ निकलता है, जो कर्मकांडी ब्राह्मण निकालते हैं इस ब्रह्म गायत्री का, वो नहीं है। हमारा गौड़िया वैष्णव विचार ये है कि इस ब्रह्म गायत्री में भी हम राधा कृष्ण के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। तो ये भरगा यानी कि कृष्ण देवस्य भर्गः शक्ति इति धीमहि, यानी उनके ऊपर ध्यान लगाते हैं, यानी कि कृष्ण की जो शक्ति है, कृष्ण की शक्ति यानी कि श्रीमती राधारानी, उनमें मैं ध्यान लगा रहा हूं। आई मेडिटेट अपॉन हर, सत्यम परम धीमहि। तो ये इस तरह से व्याख्या की है, किन्होंने व्याख्या की है, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जैसे श्रील जी गोस्वामी हैं, श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर हैं, श्रील सनातन गोस्वामी हैं। अब इनकी टीका को आधार बनाते हुए हम कुछ और श्लोकों की व्याख्या करेंगे। इन श्लोकों में इन आचार्य ने बताया है कि ये श्रीमती राधारानी है, क्योंकि हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी उन्होंने पूरे श्रीमद् भागवत में राधारानी का नाम नहीं लिया प्रत्यक्ष रूप से, राइट? और क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद श्रीमती राधारानी का इतना महत्व नहीं। अविस्त चित्त ब्रह्मवैराग्य पुराण में दिया है, अविस्त चित्त यानी भरत भागवतामृत में भी सनातन गोस्वामी यही बात बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी अगर राधारानी का नाम लेते तो महीनों महीनों तक जो है वो मूर्छित रहते, भारी सुदबुद्ध नहीं रहती उनकी। भागवत कथा तो छोड़ दीजिए 7 दिन का, परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन था। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने सोचा अगर राधारानी का नाम लूंगा तो फिर परीक्षित महाराज को भागवत कथा का लाभ कैसे मिलेगा, इसलिए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में जो है श्रीमती राधारानी का नाम का वर्णन किया है। और यहां बताया ब्रह्म वैराग्य पुराण में बताया है श्री राधा नाम मंत्रेण मूर्छा समिस्य की भवेत नो चरेत मत स्पष्टम परीक्षित हित कृण मुनुहि। ये बात बताई ब्रह्म वैराग्य पुराण में कि क्योंकि सुखदेव गोस्वामी मूर्छित हो जाते राधारानी का नाम लेकर, इस कारण से जो है उन्होंने पूरे भागवत में राधारानी का नाम प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया। लेकिन हमने पहले बताया कि पूर्ववर्ती आचार्य हमारे कम नहीं है, ये जो विश्वनाथ जी के ठाकुर हैं, सनातन गोस्वामी हैं, या शिलजी गोस्वामी हैं जिनका मंजरी स्वरूप है, जो श्रीमती राधारानी के हर महाभाव को समझते हैं, वो जानते हैं कि कहाँ कहाँ राधारानी है भागवतम में, वो पूरे भागवतम में श्रीमती राधारानी को देख सकते हैं, ये उनकी दिव्य दृष्टि है। और तो पहला ये श्लोक लेते हैं, ये है दशम स्कंद का 30वां अध्याय श्लोक संख्या 28। अन्य आराधितो नूनम भगवान हरिर ईश्वरा यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यम अन्यद्रह। तो रासलीला के लिए एकत्रित हुए हैं सब, विशेष रूप से ये रासलीला प्रारंभ होने वाली थी जब वस्त्रहरण लीला हो चुकी थी, तो ये रासलीला होने वाली थी। और उस रासलीला के दौरान ही कृष्ण जो है एक गोपी को लेकर वहां से चले गए। अन्य आराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरा यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यम अन्यद्रह। इस विशिष्ट गोपी ने निश्चित ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद के पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि वे उससे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबों को छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले गए। बताइए 300 करोड़ गोपियां अगर है, उसके मध्य से राधारानी को अगर एक गोपी को अलग से ले जाया जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब केवल एक ही निकलता है कि वो गोपी क्या है, श्रेष्ठ गोपी है और सबसे प्रिय है कृष्ण के। तो विश्वनाथ जी ठाकुर ने कहा है कि ये राधा रानी। अब आगे देखिए और श्लोक में क्या बताया है। ये है भागवत का 2वां स्कंद 4वां अध्याय और श्लोक संख्या 14। नमो नमस्ते अस्तु ऋषभाय सात्वताम विदुर काष्ठाय मुहु कुयोगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणी दमशते नमः। तो इस श्लोक में बताया, अब हमारे पूर्ववर्ती आचार्य बता रहे हैं कि यहाँ पे राधारानी कहाँ है। श्लोक में मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ में स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। तो यहाँ पे
तीसरी पंक्ति में ये बताया है निरस्त साम्याति शयेन राधसा। तो ये राधसा शब्द जो है ये राधारानी के लिए, राधसा का मतलब है ऐश्वर्य, तो ये बता रहे हैं श्रीमती राधारानी का ऐश्वर्य। तो इस तरह से यहाँ पे श्री राधारानी को ढूंढा है हमारे पूर्वाचार्य, जैसे विश्वनाथ जी ठाकुर सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, विश्वनाथ जी ठाकुर बता रहे हैं कि ये राधासा शब्द जो है ये राधारानी के लिए है, राधारानी का ऐश्वर्य। और फिर क्या बता रहे हैं दशम स्कंद के 29वें अध्याय में, और ये 5वां श्लोक है, धूयंतयो भियुः कश्चाश्चेद् दोहम हित्वा समुत्सुकः पयो धिष्टिया सम्यावम अनुद्वास्या परायुः। कुछ गोपियां दूध धो रही थी, अब रासलीला प्रारंभ हो गई है, रासलीला के लिए निमंत्रण दिया है भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी को बजाकर, तो कुछ गोपियां दूध धो रही थी, जब उन्होंने कृष्ण की बांसुरी सुनी उन्होंने धोना बंद कर दिया और वे कृष्ण से मिलने चली गई। कुछ ने चूल्हे पर दूध को उबलते हुए छोड़ दिया और कई ने चूल्हे में रोटियों को सिकते हुए छोड़ दिया। तो कुछ गोपियां दूध धो रही थी, यानी कि दोहम काश्चित दोहम हित्वा। तो क्या बताया जा रहा है, विश्वनाथ जी ठाकुर बता रहे हैं काश्चित दोहम हित्वा, यानी कुछ गोपियां जो दूध धो रही थी उन्होंने कृष्ण की बांसुरी सुनी, यानी कि इसमें से एक राधारानी भी थी जिन्होंने कृष्ण की बांसुरी को सुना, और क्योंकि वो क्या कर रही थी दूध धो रही थी, वो दूध धोना उन्होंने छोड़ दिया और कृष्ण के पास चल पड़ी। आगे बताइए तेस तेय पदेश तत्वद्वयम्, यह है दशम स्कंद का 30वां अध्याय श्लोक संख्या 26 और 27। अन्विच्छन्तयो ग्रतो वलाहा वद्वा पदेषु प्रकृत्यानि विलोक्यार्थः संभ्रुवम्। गोपियां श्री कृष्ण के अनेक पचिनों से प्रदर्शित उनके मार्ग का अनुमान करने लगी, किंतु जब उन्होंने देखा ये चिन्ह उनकी प्रियतमा के चरणों से मिलजुल गए हैं। गोपियों ने क्या देखा कि कृष्ण के जो चरण हैं उनके प्रियतमा के चरण चिन्हों से मिल गए हैं, तो वे व्याकुल हो उठी और इस प्रकार कहने लगी। तो किसके चरणों से मिल गए हैं, श्रीमती राधारानी के चरणों से मिल गए हैं, भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह जो है राधारानी के चरण चिन्हों से मिल गए हैं। फिर क्या बता रहे हैं, कस्याह पदानी चैत्यानि यादाय नंद सुनुना अंशन्यस्त प्रकोष्ठायः करिणोः करिणा यथा। गोपियों ने कहा यहाँ पर हमें किसी गोपी के चरण चिन्ह दिख रहे हैं जो अवश्य ही नंद महाराज के पुत्र के साथ साथ चल रही होंगी, उन्होंने उसके कंधे पर अपना हाथ उसी तरह रखा होगा जिस तरह एक हाथी अपनी सूंड अपनी सहगामनी हथनी के कंधे पर रख देते हैं। तो किसने रखा होगा कंधे पे यार, श्रीमती राधारानी ने। उसके बाद आगे क्या बता रहे हैं, यह है दशम स्कंद का 30वां अध्याय श्लोक संख्या 35 और 36। श्लोक काफी बड़ा है तो मैं केवल अनुवाद पढ़ रहा हूं। जब गोपियां पूर्णतया भ्रमित मनो से घूम रही थी तो उन्होंने कृष्ण लीलाओं के विविध चिन्हों की ओर संकेत किया। ये विशिष्ट गोपी जिसे कृष्ण अन्य युवतियों को त्याग कर एकांत जंगल में ले गए थे अपने को सर्वश्रेष्ठ स्त्री समझने लगी। उसने सोचा, राधारानी ने क्या सोचा, मेरे प्रियतम ने उन अन्य समस्त गोपियों का तिरस्कार कर दिया है, यद्यपि वे साक्षात कामदेव के वशीभूत हैं, उन्होंने केवल मेरे ही साथ प्रेम करने का चुनाव किया है। तो ये एक तरह का ये भी मान है, आध्यात्मिक गर्व है, स्पिरिचुअल ईगो है भी। देखो सब गोपियों को छोड़कर जो है मुझे अलग ले गए हैं। ऐसा कह जाने पर, अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं, ऐसा कह जाने पर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरे कंधे पर चढ़ जाओ, मेरे कंधे पर चढ़ जाओ, कृष्ण राधारानी को कहा। तो यहां पे भी राधारानी को ही कह रहे हैं, और कृष्ण ने कहा कि मेरे कंधे पर चढ़ जाओ, किंतु ये कहते ही वे विलुप्त हो गए। उनकी प्रिया को तब अत्यधिक क्लेश हुआ। तो क्या हुआ कि जैसे ही कृष्ण ने राधारानी को उठाया तो कृष्ण क्या हो गए, लुप्त हो गए। अगले श्लोक में यह है दशम स्कंद का 32वां अध्याय श्लोक संख्या है 7 या 4 है शायद। एक गोपी ने हर्षित होकर कृष्ण के हाथ को अपनी गोपियों के बीच में ले लिया और दूसरे ने चंदन लेप से विभूषित होकर उनकी भुजा अपने कंधे पर रख ली। एक गोपी ने हर्षित होकर कृष्ण के हाथ को अपने हथियलियों के बीच में ले लिया। यह है श्रीमती राधारानी काचित कराम भुजाम शौरेर। फिर अगले श्लोक में देखिए क्या बता रहे हैं, दशम स्कंद का ये 32वां अध्याय है श्लोक संख्या 5। एक छरछरी गोपी ने आदर पूर्वक अपनी हथेलियों में उनके चबाए पान का झूठन ले लिया। किसने, श्रीमती राधारानी। और काम इच्छा से तृप्त इसी
दूसरी गोपी ने उनके चरण कमल अपने स्तनों पर रख दिया। फिर देखिए दशम स्कंद के 32वें अध्याय का 7वां श्लोक, एक अन्य गोपी उनके कमल को अपलक नेत्रों से देखती रही। कौन सी गोपी? श्रीमती राधाणी। किंतु माधुरी का गहन आस्वादन कर लेने पर भी तुष्ट नहीं हुई। जिस तरह संत पुरुष भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए तृप्त ही नहीं होते। और यह है इसी अध्याय का 32वें अध्याय का 8वां श्लोक, एक गोपी ने भगवान को अपनी आंखों के छिद्र से ले जाकर उन्हें अपने हृदय में रख लिया। किसने हृदय में रख लिया? श्रीमती राधारानी ने। तब उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रोमांचित होकर वह भीतर ही भीतर उनका लगातार आलिंगन करने लगी। इस तरह दिव्य आनंद में निमग्न वह भगवान का ध्यान करने लगी, योगी जैसे लग रही थी। फिर ये है दशम स्कंद का 47वां अध्याय है, जिसमें भ्रमर गीत का वर्णन है। यह श्लोक नंबर 11, कोई एक गोपी जब कृष्ण के साथ अपने पूर्व सानिध्य का ध्यान कर रही थी तो उसने अपने सामने एक भौंरे को देखा, भ्रमर को देखा, और उसे लगा कि ये उसके प्रियतम द्वारा भेजा गया कोई दूत है। वह इस प्रकार बोली। ये सब यहाँ पे जितने भी श्लोक आपको बताए पढ़ के सुना है, इन सब में श्रीमती राधारानी दिखाई पड़ती हैं। और ऐसे कितने श्लोक होंगे जिनके बारे में हमने चर्चा नहीं की है। तो ये हमारे पूर्वती आचार्य हैं जिनके कृपा से हम राधारानी के बारे में सुन पाते हैं, राधारानी को देख पाते हैं श्रीमद् भागवतम में। अन्यथा संभव ही नहीं है। अगर ये आचार्य ना बताएं कि श्रीमती राधारानी है तो करोड़ों करोड़ जन्म बीत जाएंगे, भागवत पढ़ते पढ़ते कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बताया गया है भगवद गीता में भी, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु। इस दिव्य ज्ञान को परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया, क्योंकि परंपरा के जो आचार्य हैं वो जानते हैं कि वास्तव में इस श्लोकों का भाव क्या है, इन प्रार्थनाओं का भाव क्या है, ये भागवत के पीछे जो मर्म है वो क्या है, इन आचार्यों को पता है। इसलिए आचार्य उपासनम, आचार्यों के जो महात्मानास्तु मां पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रिता। इसलिए क्या है कि ऐसे जो भक्त हैं, जब ऐसे जो महात्मा हैं जो देवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं, वो समझा पाते हैं श्रीमद् भागवतम क्या है, वो समझा पाते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने सुझाव दिया है, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य ने सुझाव दिया है कि क्या करना चाहिए, वैष्णव पाठ करो भागवत अध्ययन, कि वैष्णव के पास जाके भागवत का अध्ययन करो। तो जब हम भागवत का अध्ययन किसी वैष्णव के सानिध्य में रहकर करते हैं तब ये सारे रहस्य जो हमारे सामने खुलते हैं। तो इस तरह से अनेक बातें हैं राधारानी की महिमा के बारे में, उनके गुणानुवाद में बहुत कुछ कहा जा सकता है। राधारानी के बारे में कहना तो एक कक्षा में संभव ही नहीं है, हालांकि पूरा जीवन ही बीत जाएगा और हम पहले श्लोक में ही अटके रह जाएंगे। तो इस तरह से कई सारी बातें हैं। और अगर हम देखें श्रील प्रभुपाद जी ने, जब प्रभुपाद जी यहाँ से गए थे, अमेरिका गए थे, प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा था। उस भजन में श्रील प्रभुपाद ने क्या बताया, कृष्णा तव पुण्य जवे भाई हवे भाई, ए पुण्य करीबे जाबे राधा रानी खुशी हवे, ध्रुव अति बोली तुम्हारा। हे भाइयो, मैं तुम्हारे निश्चित रूप से तुमसे निश्चित रूप से कहता हूँ कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण से पुण्य लाभ की प्राप्ति तभी होगी जब श्रीमती राधा रानी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगी। इसलिए प्रभुपाद जी के जो पिताश्री हैं, अब के जो पिता थे गौर मोहन दे, वो यही कहते थे जितने साधु संत आते थे उनके घर में कि आप सब आशीर्वाद दीजिए कि ये जो अभय है एक दिन ये राधारानी का शुद्ध भक्त बन सके। और श्रील प्रभुपाद जी जो जिन्होंने राधारानी के लिए या राधा कृष्ण के लिए पूरे विश्व भर में देखिए इस महामंत्र का प्रचार किया। आज हम पढ़ ही रहे थे सुबह, हालांकि इतना समय नहीं है, लेकिन इस लीला में आविर्भाव में जब विश्वभानु महाराज क्रतुमणि के पास जाते हैं तो क्रतुमणि उनको बोलते हैं कि आप महामंत्र का जप करिए। और उस महामंत्र को कौन सा महामंत्र जप करने के लिए कहते हैं क्रतुमणि? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो क्रतुमणि से प्राप्त हुआ महामंत्र विश्वभानु महाराज को ये, और इस महामंत्र को जप करने का लाभ क्या हुआ जानते हैं आपको? श्रीमती राधारानी प्रकट हो गई।
राधा रानी के पुत्र के रूप में प्रकट होकर इस महामंत्र का जप करने का। तो ये महामंत्र इतना सर्वोपरि है संकीर्तन कि अगर संकीर्तन में कोई भाग लेगा, इस महामंत्र का जप करेगा, संकीर्तन करेगा, निश्चित रूप से उसके बाद राधा रानी की कृपा होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। चलिए संक्षेप में आपको बता देते हैं कथा भी इस आविर्भाव के बारे में। तो एक दफा क्या हुआ कि सूर्यदेव की बड़ी इच्छा हुई कि वो श्रीमती राधारानी को अपनी बेटी के रूप में चाहते थे, और उस समय रावल में सूर्यदेव प्रकट हुए वृषभानु के रूप में, और वहां पे और भी उनके भाई थे जिनका नाम था चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुभानु और प्रतिभानु, और ये वृषभानु जो है ये सूर्यदेव से अभिन्न है। तो वृषभानु महाराज ने बहुत सारे यज्ञ किए थे, बहुत सारी तपस्या की थी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, और उसी समय उस ब्रज में एक और ग्वाले थे जिनका नाम था बिंदु, और इनकी पत्नी का नाम था मुखरा, और मुखरा की कई बेटी बेटियां थी, तो उसमें से एक उनकी बेटी का नाम था कीर्तिदा। कीर्तिदा का विवाह हुआ किससे? वृषभानु महाराज। और जितने भी ये भानु थे उन सब ने ये फैसला किया कि वृषभानु महाराज को राज सिंहासन दिया जाए, तो इस तरह से वृषभानु महाराज जो है वो राज सिंहासन में बैठे। तो और इसके बाद फिर कीर्तिदार वृषभानु, कई वर्ष बीत गए लेकिन की कोई संतान नहीं हो रही थी, तो कीर्तिदार ने वृषभानु महाराज को सुझाव दिया कि आप ऐसा करिए, कात्यायनी देवी की आप पूजा करिए, कात्यायनी देवी की आप पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से जो है हमारी इच्छा पूरी होगी। तो कात्यायनी देवी की पूजा करने लगे, गोवर्धन की तलैटी में जाकर खूब घोर तपस्या उन्होंने की, और यमुना जी के निकट बैठकर इस तरह से बहुत बड़ी तपस्या की। तो एक दिन जो है उन्होंने एक शब्द ध्वनि सुनी, आकाशवाणी सुनी, उन्होंने कहा कि जब तक आप हरिनाम को स्वीकार नहीं करोगे, इस कर्ण रंध्र से जब तक हरिनाम नहीं प्रवेश करेगा तब तक आप शुद्ध नहीं हो सकते, तब तक आप पवित्र नहीं हो सकते, इसको सही मायने में सही तरीके से आप हरिनाम को स्वीकार करिए। तो इस कारण से वृषभानु महाराज कर्तुमनि के पास गए थे, और कर्तुमनि ने उनको ये महामंत्र दिया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये वर्णन आता है ब्रह्मांड पुराण में, इस प्रकार की व्याख्या मिलती है। तो उसे और भी बताया गया है कि कोई शक्ता हो, शैव्य हो, शौर्य हो, वैष्णव हो, गणपति हो, कोई भी हो, ये सब पवित्र तभी हो सकते हैं जब ये हरि नाम का श्रवण करें, हरि नाम का उच्चारण करें। और साथ में क्या बताया उन्होंने, इस तरह से महामंत्र जब मिल गया कृतुमुनि से वृषभानु महाराज को, वृषभानु बड़ी घोर तपस्या करने लगे और इस महामंत्र का उच्चारण करने लगे, और इस तरह एक दिन क्या हुआ, कात्यायनी देवी प्रकट हुई। कात्यायनी देवी ने कहा कि आपको क्या वरदान चाहिए बताइए। तो कृतुमुनि ने कहा कि आपका दर्शन ही प्राप्त हो गया, मुझे दर्शन से ही मैं लाभान्वित हो गया हूँ, आप तो मेरी जानते हैं इच्छा क्या है, जैसा आप ठीक समझे। तो कात्यायनी देवी ने क्या किया, उनको एक सोने का अंडा दिया, गोल्डन एग दिया उनको, और उस सोने का अंडा प्राप्त करके वृषभानु महाराज आ गए और अपने क्या कहते हैं कीर्तिदा के पास, और उस वो जो गोल्डन एग था कोई साधारण एग नहीं था, और उस गोल्डन एग के कारण क्या हुआ, वृषभानु जी के घर में कौन प्रकट हुई, श्रीमती राधारानी प्रकट। तो इस तरह से ये वर्णन मिलता है शास्त्रों में, ब्रह्मांड पुराण, कई पुराणों में और कई शास्त्रों में इस प्रकार से उनके आविर्भाव के बारे में बताया गया है। तो आज राधारानी का आविर्भाव दिवस है, और अब बरसाना में बहुत भव्य उत्सव होता है, इधर भी भव्य उत्सव हो रहा है, तो जो भव्य उत्सव का लाभ वहाँ बरसाना में उठा रहे हैं भक्त, वही लाभ उठा सकते हैं यहाँ पर आप। राधारानी की कृपा हर जगह है कि नहीं, श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से राधारानी आज पूरे पृथ्वी में सब जगह है, पूरे पृथ्वी में कहीं भी जाइए 650 अधिक मंदिर है जहां पर श्रीमती राधारानी का दर्शन हो रहा है और राधारानी का अभिषेक हो रहा है। इससे बड़ी बात क्या होगी, प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में सबको क्या क्या दिया है, राधारानी दिए है। उस दिन हमने बताया था जन्माष्टमी के दिन श्रील प्रभुपाद जी का जो सर्वोत्तम देन है, उनका जो सर्वोपरि देन क्या है पूरे विश्व के लिए, पूरे जगत के लिए, वो कौन है, कृष्ण है। सबसे जो बड़ा सबसे महत्वपूर्ण अनुपम भेंट श्रील प्रभुपाद जी का पूरे पृथ्वी में, पूरे सृष्टि के लिए, पूरे विश्व के लिए क्या है, वो है भगवान श्री कृष्ण। लेकिन आज के दिन हम यह कहेंगे श्रील प्रभुपाद जी ने सबसे बड़ा जो ध्येय दिया है, सबसे बड़ा जो उनका योगदान है, सबसे बड़ा जो उनका उनका जो वितरण उन्होंने किया है, और वो कौन है, श्रीमती राधारानी। श्रील प्रभुपाद जी ने सभी पति जीवात्माओं को राधारानी की सेवा प्रदान की है, यानी कि राधारानी श्रील प्रभुपाद जी के शरण में आएगा उसको निश्चित रूप से राधारानी की कृपा मिलेगी 100%। और श्रीमती राधारानी बहुत प्रसन्न होती हैं जब वो देखती हैं कि ये भक्त सब जा रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। किसका प्रचार कर रहे हैं, मेरे स्वामी मेरे ही प्रभु का प्रचार कर रहे हैं।
तो राधाणी बहुत खुश होती है जब देखते हैं कि इतने सारे बद्ध जीव, ये बेचारे बद्ध जीव हैं ये सब भी, अब ये भी मुक्त नहीं हुए हैं लेकिन बद्ध अवस्था में रहकर भी कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं, मेरे प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, तो राधाणी बहुत प्रसन्न होती है। इसलिए एक बार श्रील प्रभुपाद जी के समय में रामेश्वर स्वामी ने कुछ भक्तों को ये बता दिया कि जो ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं ये वास्तव में राधाणी की सेवा है, ये गोपियों की सेवा है। तो प्रभुपाद ने जब प्रभुपाद से बोले कि प्रभुपाद ऐसा बोल रहे हैं, ये व्याख्या ठीक है या इनका ये कल्पना है, प्रभुपाद ने बिल्कुल सही बोला है, रामेश्वर स्वामी ने सही बोला है, ये ग्रंथों के वितरण जो है ये राधाणी की सेवा है। क्यों? क्योंकि राधाणी क्या करती है, हर जीव को कृष्ण से मिलाती है। राधाणी क्या करती है, हर जीव को कृष्ण से मिलाती है। और आप सभी यही कर रहे हैं जो ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं, जिस जीव के हाथ में आप ग्रंथ देते हैं उनको क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, ये राधाणी की सेवा है। तो इस तरह से हमें पूरा लाभ मिलता है जब हम प्रचार के आंदोलन में आते हैं, तो बहुत जल्दी हमें कृपा प्राप्त होती है राधाणी, बहुत जल्दी राधाणी कृपा बहुत जल्दी करती है, क्योंकि यही राधाराणी जो है इसी राधाणी का महाभाव स्वीकार करके कृष्ण जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं और इसी हरिनाम संकीर्तन का वितरण कर रहे हैं पूरे पृथ्वी में पूरे ब्रह्मांड में श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से। तो आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, राधाष्टमी का ये बहुत पवित्र दिन है, इसमें खूब संकीर्तन करें, महामंत्र का कीर्तन करें, राधे राधे तो पूरी दुनिया कर रही है लेकिन हमारे भक्त जो है इस्कॉन के भक्त महामंत्र के कीर्तन के द्वारा राधाणी को प्रसन्न करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर वृषभानु महाराज ने महामंत्र का कीर्तन किया, वृषभानु महाराज ने महामंत्र का कीर्तन किया है इसलिए राधाणी प्रकट हो गई उनके पास। इसीलिए आप भी अगर केवल महामंत्र का कीर्तन करेंगे तो राधाणी आपके घर में प्रकट हो जाएंगे, आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए केवल महामंत्र का कीर्तन करिए, हरे कृष्ण श्रीमती राधाराणी की, राधा श्री महामहोत्सव की, बरसाना धाम की, रावल धाम की, और प्रेमानंद। ये हमारे समक्ष जो है सरस्वती बाल मंदिर पब्लिक स्कूल से वहां से टीचर्स आए हैं और उनके प्रिंसिपल मिसेस रीता पंत और वाइस प्रिंसिपल मिसेस बेला। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है, बहुत ही भाग्यशाली आप, राधाष्टमी के दिन आपको राधाणी का दर्शन मिल रहा है, तो आप सब